हेलो बच्चों, आई एम अमित बिजारनिया, योर फिजिक्स टीचर एट कॉम्पिटिशन। काफ़ी दिनों से जेई 2023 वाले जो एस्पिरेंट्स हैं वो काफ़ी टाइम से ऐसे कह रहे थे कि सर हमारे लिए कोई स्ट्रेटजी, टिप्स, पॉइंट्स, व्हाट टू टेक केयर ऑफ और कौन सी गलतियां हमें कमिट नहीं करनी है, इसके बारे में कुछ छोटी सी टॉक कर सकते हैं क्या। तो मैं ये छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ कि जो भी बच्चे जेई 2023 देंगे, खास तौर से वो बच्चे जो ड्रॉप करने वाले हैं, ठीक है, या फिर जिन बच्चों ने 11th क्लास में सिलेबस कंप्लीट नहीं किया 11th वाला, और वो क्लास 12th के अंदर 11th और 12th दोनों का सिलेबस एक साथ कंप्लीट करना चाहते हैं, वो लोग किन बातों का ध्यान रखें, कैसे कम समय के अंदर सारा सारा सिलेबस कंप्लीट करें, कैसे ज़्यादा एफिशिएंट रहें, इस बारे में मैं कुछ थोड़ी सी छोटी सी टॉक करना चाहता हूँ। सबसे पहले जो मैंने कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं कि इन पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखोगे तो ऑब्वियस बात है कि आपका जो पूरा पूरा आने वाला जो 15-16 महीने वो अच्छे गुजरेंगे, स्मूथ गुजरेंगे, और जो रैंक है वो आपके हिसाब के, आपके मन मुताबिक आ पाएंगे। हालांकि कई बार बातें करना आसान होती है और उनको इंप्लीमेंट करना मुश्किल होता है, बट मेरी ऐसी उम्मीद है कि कोई ना कोई बच्चा तो ऐसा होगा ही जिस पर शायद बातों का असर पड़े और वो अच्छी रैंक लेकर आए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला पॉइंट कि यार मैं चाहता हूँ कि ना बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा ऐसे चीज़ों को डिले ना करें कि यार ना 2 महीने बाद तैयारी स्टार्ट करेंगे, ठीक है 1.5 महीने बाद तैयारी स्टार्ट करेंगे। और टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, और ख़ास तौर से जो ड्रॉपर बच्चा है या फिर क्लास 12th के अंदर वो बच्चा है जैसे 11th और 12th दोनों का सिलेबस निपटाना है, उसके पास तो बहुत ही एक हरक्यूलियन टास्क आगे पड़ी है, उसे तो बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, तो वो है ना डिले नहीं कर सकता। उसके लिए तो एक एक दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए एक एक घंटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि अर्ली स्टार्ट करें, जल्दी स्टार्ट करें, ये आपकी आगे की जर्नी को थोड़ा स्मूदन करेगा, ईजी करेगा। ठीक है, इसमें ये भी कहूँगा कि ना बहुत सारे स्टेट बोर्ड वाले जो बच्चे हैं ना उनके एग्ज़ाम तो खत्म हो चुके हैं, तो जिन बच्चों के स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम खत्म हो गए उनको तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, उनको तो ऑब्वियस बात है कि फटाफट से कोई ना कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए अच्छा सा, और बढ़िया से पढ़ाई करना स्टार्ट कर देनी चाहिए जेई की। हाँ, जिन बच्चों जो बच्चे CBSE वाले हैं उनका मेरे ख्याल से आज फिजिक्स निपटा है, मैथ्स में अभी तो बहुत सारा टाइम है, बीच में एक फिजिकल एजुकेशन भी आएगा जिसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, तो अच्छा खासा गैप है, इस गैप के अंदर भी वो अच्छे खासे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा कहते कि ऐसे मुझे इस टाइम के अंदर किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं करना, तो मैं कहूँगा कम से कम हमारे यूट्यूब चैनल से कम 2-3 चैप्टर तो निपटा ही लो, वो आपको आगे फायदा करेंगे। तो किसी भी तरीके से आपको जल्दी स्टार्ट करना चाहिए। हालांकि CBSE वाला बच्चा जो है वो भी अगर चाहे तो इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकता है, अभी से क्लासेस ज्वाइन कर सकता है। हमारा प्रवीण 5 जो है वो 26th of May से स्टार्ट हो जाएगा, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आगे जाके दे दूंगा। ठीक है, तो जल्दी स्टार्ट करें, हमेशा फायदा रहेगा। दूसरा पॉइंट कि यार ना बहुत ज़्यादा डिलेमा ना रखें कि यार मैं ऑनलाइन जाऊं, ऑफलाइन जाऊं, ऑनलाइन जाऊं, ऑफलाइन जाऊं, इसमें बहुत ज़्यादा समय ना बिताएं और जल्दी से एक वाइज डिसीजन लें। अगर आपको लगता है कि आपको पुश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कि आपको तो बार बार है ना मोटिवेट करने की ज़रूरत है, एक्सटर्नल फैक्टर्स की ज़रूरत है, बिना किसी एक्सटर्नल फैक्टर के नहीं पढ़ सकते, तो ऑब्वियस बात है कि आपको तो ऑफलाइन ही पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है जो पहले से ही सेल्फ मोटिवेटेड है और बहुत ही रिलैक्स तरीके से अच्छे से पढ़ाई कर सकता है, तो उसे ऑनलाइन के अंदर ज़्यादा बेटर रिसोर्सेज मिल पाएंगे, क्योंकि ऑफलाइन के अंदर हमेशा ही मेरी ऐसी फीलिंग है कि समय थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, चाहे वो ट्रैवलिंग का टाइम हो, चाहे जब टीचर क्लास में पढ़ा रहा है तो उसकी भी जो एक तरीके से आउटपुट आता है वो एग्जैक्टली उतना नहीं आता जितना किसी ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर आता है। मैं अपनी बात कर लूँ तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैं ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर जितना पढ़ा पाता हूँ किसी एक्स टाइम के अंदर, उतना मैं ऑफलाइन के अंदर उतने टाइम के अंदर नहीं पढ़ा पाता, शायद मैं उसका 70% या फिर 65% ही पढ़ा पाता हूँ। तो ऑब्वियस बात है कि जो बच्चा सेल्फ मोटिवेटेड है वो ऑनलाइन के अंदर पढ़कर मेरे ख्याल से थोड़ा सा बेटर आउटपुट ला सकता है। सो ये आपकी पर्सनल चॉइस है, आपको लगता है कि आप काफ़ी सेल्फ मोटिवेटेड हो तो उस केस में ऑनलाइन इज ऑफकोर्स बेटर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको पुश की ज़रूरत है, आपको बार बार है ना टीचर के द्वारा मतलब है ना मतलब डांट की ज़रूरत है या फिर टीचर के द्वारा मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो उस केस में ऑब्वियस बात है कि आपको ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन ये जो भी डिसीजन है ये आपको जल्द से जल्द लेना चाहिए। नेक्स्ट इज आपने कोई भी एक इंस्टीट्यूट या फिर सेट ऑफ फैकल्टीज़ अगर चूज़ कर लें कि मुझे इनसे पढ़ना है, तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को फॉलो करें और उनको रिलीजियसली फॉलो करें, बार बार एक जगह से दूसरी जगह तक टू एंड फ्रो मोशन ना करें। टू एंड फ्रो मोशन समझते ना, यार एक बार यहाँ से पढ़ लिया, फिर यहाँ से पढ़ लिया, फिर एक बार पढ़ लिया, फिर यहाँ से पढ़ लिया, ऐसा ना करें। ऐसा करने से आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और जेई के अंदर अच्छी रैंक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है डिसेंट प्रैक्टिस के साथ सिलेबस का कंप्लीशन।
100 बच्चे अगर जेई के लिए एस्पिरेंट्स अगर होते हैं तो मैं क्लियरली इस बात को बोलता हूँ कि 80 बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट ही नहीं होता। तो जेई की जो मेन लड़ाई है ना, वो सिर्फ ऊपर के 20 बच्चों के बीच में होती है। जो भी अच्छी NIT IIT ट्रिपल आई के लिए जितनी जद्दोजहद होती है वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर के 20 बच्चों में होती है। बाकी 80 बच्चे बेचारे सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाए। वो क्यों नहीं कर पाए? ऑफकोर्स लेट स्टार्ट हो गया होगा, है ना। अगेन वो बार बार सोच रहे होंगे मैं ऑनलाइन लूँ ऑफलाइन लूँ, या फिर वो अगेन है ना कभी इस इंस्टीट्यूट को फॉलो कर रहे हैं, कभी उस टीचर को फॉलो कर रहे हैं, कभी उस टीचर को फॉलो कर रहे हैं, और ऐसे वो पूरे टाइम लगातार में टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो एक सेट ऑफ फैकल्टीज़ या फिर एक इंस्टीट्यूट को पकड़ें, मैं तो ये कहूँगा ऑफकोर्स कॉम्पिटिशन को पकड़ें, ठीक है, बट आपको जो भी अच्छा लगता हो उसको पकड़ें और अगेन है ना उसको रिलीजियसली फॉलो करें, ठीक है। नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेवर मिस ए क्लास। कभी भी कोई क्लास मिस मत करो, अनलेस कभी आपकी तबीयत खराब हो गई या फिर घर में कोई बहुत बड़ा काम आ गया, अदरवाइज कभी भी क्लास मिस ना करें और खुद के नोट्स बनाएं। अब ऐसे तो जब हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो हम PDF नोट्स भी देते हैं, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि आप PDF नोट्स यूज़ करें। मैं तो कहूँगा कि आप खुद के नोट्स बनाएं। जब कि खुद के द्वारा लिखे गए नोट्स हैं वो बेस्ट हैं, उनकी कोई बराबरी नहीं है, क्योंकि उनको लिखते वक्त आपके अंदर वो नोट्स, वो बातें, वो कॉन्सेप्ट, वो थ्योरम इतने बढ़िया तरीके से जम जाते हैं कि उसकी कोई बराबरी ही नहीं है। सर ने कोई बात समझाई, आपने उसको लिखी, सर ने कोई सवाल दिया, उस सवाल को आपने खुद किया, फिर सर का सोल्यूशन देखा और देखा कि हाँ यार मेरे से गलती हो गई, सर ने ये सवाल बहुत अच्छे से किया, मेरे से जो गलती हो गई मैं वो आगे से रिपीट नहीं करूँगा। वो तो तभी आएगी जब आप खुद लिख कर करोगे। तो खुद के जो नोट्स हैं उनकी किसी प्रकार की कोई बराबरी नहीं है। इसमें से कई कई बच्चे मुझे ऐसे बोलते हैं कि सर फला फला भैया के 250 रैंक है, वो कहते हैं कि ना हमें नोट्स नहीं बनाने चाहिए। तो सर हम उनकी बात माने या आपकी बात माने? सर आपकी तो 1800 रैंक थी। तो मैं तो उसमें यही कहूँगा कि ना मैं तो काफ़ी एक्सपीरियंस है इस बात को बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ वो सिर्फ एक या दो बच्चे के लिए क्या वर्क किया, क्या चीज़ वर्क की, उससे हम चीज़ों को जनरलाइज़ नहीं कर सकते। जनरलाइज़ किससे कर सकते हैं कि यार ना बहुत सारे जो बच्चे हैं, बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं, उनका फ़ायदा किस चीज़ से होता है। जो बच्चे प्रॉपर नोट्स बनाते हैं, अच्छे नोट्स बनाते हैं, खुद के हाथ से लिखते हैं, हर सवाल को खुद क्लास में ही सॉल्व करते हैं, वो बच्चे अपनी परफॉर्मेंस अच्छी रखते हैं, ठीक है। हाँ किसी फला फला बच्चे ने ना बिना नोट्स बनाए ना मान लो कि 250 रैंक लिया, इसका यार थोड़ी कि मैं भी ले आऊँगा यार, है ना। मैं तो तभी लेकर आऊँगा जब मैं खुद मेहनत करूँगा, खुद लिखूँगा, खुद सवाल करूँगा, ठीक है। तो मैं तो स्ट्रांगली कहूँगा कि मेरी बात ही माने, ठीक है। नेक्स्ट इज होमवर्क इज़ द की टू सक्सेस। जब भी आपने कोई क्लास अटेंड कर ली, उस क्लास के बेसिस पर आपको कोई ना कोई होमवर्क मिलेगा, उस होमवर्क को ज़रूर करें। सवाल ना बने तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आपने उस सवाल को ट्राई किया। फिर उसका जो भी आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन या फिर डाउट क्लास के अंदर जब आप उसको पूछते हो तो आपको पता लग जाता है कि यार मैंने क्या गलती की और सर ने इस सवाल को इतने आसान तरीके से कैसे कर लिया। और इंसान ऐसे सीखता है, ऐसे सीखता है। जैसे मान लो कि मैंने किसी एक्सटर्नल फोर्स की प्रेजेंस में मोमेंटम कंजर्व कर लिया और मेरा आंसर नहीं आया, फिर मैंने जब उसका टेक्स्ट सॉल्यूशन या वीडियो सॉल्यूशन या फिर जब जूम में डाउट क्लास हुई मेरी, तब मैंने जब सर से पूछा कि सर मेरा आंसर नहीं है, आप करके बताना कि वाला सवाल कैसे होता है, तो सर ने मुझे समझाया कि देख भाई तेरा सवाल का आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि तूने एक एक्सटर्नल फोर्स की प्रेजेंस में मोमेंटम कंजर्व किया। तो अब मेरे दिमाग में बात बैठ गई कि हाँ भाई जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो, खासतौर से इंपल्सिव फोर्स लग रहा हो, तो उसकी प्रेजेंस के अंदर मोमेंटम कंजर्व नहीं करते। हालांकि ये बात मैंने कॉपी में लिख रखी थी लेकिन दिमाग में नहीं बैठी थी। अब जब मैंने सवाल गलत कर लिया और उसके बाद सर ने मेरे को डांटा, फिर कहा कि देख नालायक तेरे से ना ये वाला सवाल भी नहीं हुआ, तो एक्सटर्नल फोर्स की प्रेजेंस मोमेंटम कंजर्व कर रहा है, तब मेरे दिमाग के अंदर बैठ गया कि हाँ भाई अगली बार मैं ध्यान रखूंगा कि किसी एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स की प्रेजेंस में मुझे मोमेंटम कंजर्व नहीं करना है। ऐसे ही दिमाग के अंदर धीरे धीरे हमारे मिसकंसेप्शंस दूर होते हैं और हमारे कॉन्सेप्ट थोड़े से बेटर होते हैं। तो सवाल होमवर्क करना इंपॉर्टेंट है, सवाल ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जो सवाल नहीं हुए वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, बशर्ते हम सीखने के लिए तैयार हों और हमारा एप्टीट्यूड एटीट्यूड उस तरह का हो कि हम चीज़ों को सीखें। नेक्स्ट इज जब भी कोई होमवर्क वगैरह हो जाए उसके बाद बेटा एक रेगुलर पैटर्न बना लो कि मुझे पुरानी चीज़ें रिवाइज करनी ही करनी है। हो सकता है कि हम चीज़ें भूल जाएं, हो तो कोशिश करो कि आप पुरानी चीज़ें रिवाइज करो ही करो। रूल बना लो कि यार मैं तो ना हर जो चीज़ पढ़ूंगा उसको 7 दिन बाद या 15 दिन बाद मैं रिपीट करूंगा करूंगा, भले मैं पन्ने पलट लूँ लेकिन मैं रिवाइज करूंगा ही करूंगा, भले ही मैं उसे रिवाइज करने के लिए 5 मिनट दे लूँ 10 मिनट दे लूँ लेकिन रिवाइज जरूर करूंगा, रिवाइज किए बिना नहीं रहूंगा। अगेन वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट पॉइंट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज नेवर मिस अ टेस्ट।
अगर आपके दिमाग में आज के दिन कोई रैंक है, लेट से किसी बच्चे के मन में 500 रैंक है, किसी बच्चे के मन में लेट से 5 रैंक है, किसी के मन में लेट से 5000 रैंक है, जो भी आपके मन में एक रैंक है, वो रैंक तभी आएगी जब आप अपने फियर को फेस करोगे, एंड फियर इज लेस मार्क्स इन टेस्ट। जब भी आप अपने कोचिंग के मॉक टेस्ट अगर दोगे, तो उन मॉक टेस्ट में तुम इस बात को ऑब्जर्व करोगे कि है ना, कभी कभी नंबर अच्छे भी आएंगे और कभी कभी बहुत बुरे भी आएंगे। इट्स ओके, पेपर टफ होते हैं, बुरे आते हैं नंबर, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि हम पेपर देना बंद ही कर दें। पेपर देना बंद करना जो है, ये अपनी रैंक को गिराने का, खराब करने का सबसे आसान तरीका है। अगर आप चाहते हो कि आपकी रैंक अच्छी आए, तो कभी पेपर को मिस ना करें। भले कोई तैयारी कम हो, कोई बात नहीं, मैं पेपर देने जाऊंगा, मैं अपने पेपर को फेस करूंगा, भले उसमें नंबर कम आए, कोई दिक्कत नहीं। इस बार कम पढ़ाई कर रखी थी, इस बार मेरी तैयारी उतनी अच्छी नहीं, तो नंबर कम आ गए। लेकिन अगर एक बार मैंने पेपर मिस करना स्टार्ट कर दिया, तो ये मेरे इंटेलेक्ट पर क्वेश्चन नहीं है, ये मेरे करेक्टर पर क्वेश्चन है कि मैं चीज़ों से डरता हूँ, मैं घबराता हूँ। जैसे सिचुएशन मेरे अगेंस्ट हुई, मैं उसको ढंग से फेस नहीं कर पाया। तो ऐसे में भले ही हमारा इंटेलेक्ट कमजोर हो, भले हम पढ़ने में कमजोर हो, ये चलेगा, लेकिन हमारे कैरेक्टर पर क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि हम डरपोक हैं। आई होप यू गेट द पॉइंट। तो कोशिश ये कीजिए कि है ना, आप थोड़े से ना हर टेस्ट दो, भले ही नंबर कम आ जाए, कोई बात नहीं, लेकिन टेस्ट मिस नहीं करने होते। टेस्ट हमेशा देने ही देने होते हैं, कभी भी मिस नहीं करने होते हैं। आई होप इस बात को आप याद रखोगे, कभी भी टेस्ट मिस नहीं करना है। अगर आपके मन में जो रैंक है वो आपको चाहिए, तो उस रैंक को अगर 10 से मल्टीप्लाई करवाना हो, 20 से मल्टीप्लाई करवाना हो, तो टेस्ट मिस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वही रैंक चाहिए, तो टेस्ट मिस कभी नहीं करना है। और जब भी टेस्ट दिया, उसको ढंग से एनालाइज करो कि यार 60 क्वेश्चन पूछे थे, मेरे 30 सवाल सही हो गए, और 30 सवाल ऐसे थे जो या तो मैंने छोड़ दिए, या मेरे को नहीं आते थे, या मेरे से गलत हो गए। उन 30 सवालों के साथ समय बिताओ। वो 30 सवाल तुम्हें ये सिखाएंगे कि तुम्हें क्या क्या नहीं आता, तुम्हें क्या क्या कम आता है, तुम कौन सी सिली मिस्टेक करते हो, तुम कौन सी कैलकुलेशन मिस्टेक करती हो, और उन सिली मिस्टेक कैलकुलेशन मिस्टेक्स को जानकर तुम अपने अंदर ऐसे चेंजेस कर सकते हो कि अगली बार तुमसे 40 सही होंगे और 20 गलत होंगे। उसके अगली बार हो सकता है कि 42 सही हो और 18 गलत हो। फिर उसके बाद अगली बार हो सकता है कि जो 44 सही हो और आपके 16 गलत हो। इंसान ऐसे ही सीखता है, ऐसे ही बड़ा होता है, ऐसे ही उसका एप्टीट्यूड बेटर होता है, ऐसे उसकी एफिशिएंसी बेटर होती है। इट्स ए ग्रेजुअल ऑर्गेनिक प्रोसेस, कोई जादू थोड़ी है, मेहनत करनी पड़ती है। बट अगेन, हर टेस्ट दें और उसको ढंग से एनालाइज करें। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसको एनालाइज ना करें, ठीक है। नेक्स्ट इज वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेक केयर ऑफ योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। हमेशा अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। जेई की प्रिपरेशन में अप्स एंड डाउन्स आएंगे ही आएंगे। अगर अप्स एंड डाउन्स ना आए, तो समझ जाना कि कुछ गड़बड़ है, ठीक है। अगर अप्स एंड डाउन्स आ रहा है, इसका सब सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कई कई बार ऐसा लगेगा कि यार, मैं इतना फोड़ू हूँ कि मेरे बराबर तो शायद ब्रह्मा जी के बाद कोई पैदा हुआ ही नहीं होगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा रहेगा कि ओ माय गॉड, मुझे तो कुछ नहीं आता, मेरे से नालायक कोई बच्चा होगा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसी लगातार इस तरह की फीलिंग्स आती रहेंगी। You have to make yourself so strong कि आप हर फीलिंग को फेस कर सको। तो हमेशा अपने मेंटल फिजिकल हेल्थ पर ध्यान रखें। भले आप इसके लिए कोई स्पोर्ट्स खेलें, रनिंग करें, जॉगिंग करें, मेडिटेशन करें, कुछ भी करें, बट अपने टाइम को बेटर तरीके से यूटिलाइज करें। ऑलवेज वर्क ऑन इट, ठीक है। एंड जैसे अप्स एंड डाउन्स आए, कोई बात नहीं है, अपने टीचर से बात करें, है ना, उनको व्हाट्सएप मैसेज कर दें, टेलीग्राम मैसेज कर दें, मेरे को मैसेज कर दें, हम कभी भी इस बारे में बातें कर सकते हैं, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट बेटा, मेक शॉर्ट टर्म टारगेट्स। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, वो सीधा ही ना ये बोलते हैं कि सर ना, ऑल इंडिया रैंक 500 के लिए क्या करूँ, सर आईआईटी बॉम्बे के अंदर कंप्यूटर साइंस के लिए क्या करूँ। वो सीधा टारगेट ही बनाते हैं आज से 13 महीने बाद का, या फिर बड़ा 15 मंथ्स बाद का। मत बनाओ इतने बड़े बड़े टारगेट्स। टारगेट्स बनाओ कि मैं आज क्या करूँगा, मैं आज ये चीज़ निपटाऊंगा, ये कॉन्सेप्ट सीखूंगा, मैं आज 2 किलोमीटर से रन करूंगा, मैं उसके बाद ये पढ़ूंगा, मैं ये पढ़ूंगा। शॉर्ट टर्म टारगेट्स बनाओ कि मैं अगले 7 दिन में ऐसा करूंगा। 21 दिन बाद जो टेस्ट होगा, उसके अंदर मेरे लास्ट टाइम जो नंबर आए थे वो 70% आए थे, इस बार मैं कोशिश करूंगा कि मेरे 72% मार्क्स से कम ज़्यादा आए। तो शॉर्ट टर्म टारगेट्स बनाने से इंसान थोड़ा सा फ्री माइंडेड रहता है, और वो थोड़ा सा ज़्यादा दौड़ता है, ज़्यादा लगे रहता है। अगर कोई टारगेट 14 मंथ दूर है, 15 मंथ दूर है, तो उससे ऐसा लगता है कि बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। शॉर्ट टर्म टारगेट्स बनाए, बड़े आराम से काम चल जाएगा।
मैंने ऐसा कहीं ना कोई कोई सेइंग पढ़ी थी कि किसी मान लो कि बहुत किसी ऊंचे माउंटेन के ऊपर अगर चढ़ना हो तो हम कभी भी उस माउंटेन की पीक को मत दिखोगे। अगर उसकी पीक को लगातार देखते रहोगे तो डीमोटिवेट होते रहोगे कि ओ माय गॉड इतना ऊपर जाना है, कैसे जाऊँगा कैसे जाऊँगा। बस अपने पैरों को देखते रहो कि आपके जो पैर हैं वो सही जगह टिक रहे हैं या नहीं टिक रहे हैं। जिस ज़मीन पर आपके पैर टिक रहे हैं वो ज़मीन स्टेगनेंट है या नहीं है, फिसलन भरी है या नहीं है, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको किसी ऊंचे टारगेट पर अगर जाना है तो पीक को मत देखो, जस्ट लुक एट योर फीट कि दे आर ग्राउंडेड वेल और नॉट। तो इसलिए छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ, लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो। हम 25th ऑफ मे से एक ड्रॉपर बैच स्टार्ट कर रहे हैं प्रवीण 5 नाम से, उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। बहुत सारे बच्चे जिनके बोर्ड के एग्ज़ाम खत्म हो चुके हैं वो प्रवीण बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और जो बच्चे CBSE वाले हैं और उनको लगता है कि सर मैथ्स के बिना तो भी काफ़ी टाइम है, वो बच्चे अगर चाहें तो इस प्रवीण 5 को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रवीण 5 बैच जो है ये JEE मेन और एडवांस 2023 को टारगेट करके, इसकी कोर्स डेट की जो स्टार्टिंग डेट है, बड़ा वो मतलब कोर्स के स्टार्ट होने की जो डेट है दैट इज 26th ऑफ मे। सिलेबस एंडिंग जो होगा दैट विल 15th ऑफ जनवरी 2023। बैच का एक्सेस ऑफ कोर्स बेटा आपको JEE एडवांस 2023 तक रहेगा, और भले ही सिलेबस कंप्लीट हो जाए उस बीच में बच्चों का जो रिवीजन कराना हुआ, उन्हें उनके टेस्ट लेने हुए, टेस्ट को डिस्कस करना हुआ, उनके डाउट्स वगैरह हुए, वो लगातार प्रोग्राम आपके चलते रहेंगे। ये तो सिर्फ और सिलेबस कंप्लीशन की डेट है, और सिलेबस कंप्लीशन की डेट जो है वो हमने इस तरह से रखी है कि JEE मेन का जो पहला अटेम्प्ट है उससे पहले पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अगर हम इसको थोड़ा सा भी लेट करते हैं तो ऑफकोर्स बड़ा सिलेबस कंप्लीशन भी आगे खिसक जाता है, और फिर हो सकता है कि JEE मेन का जो पहला अटेम्प्ट हो वो हम उतने अच्छे से ना दे पाए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स जो होंगे बड़ा वो 617 होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों के मिलाकर। कोर्स की जो फीस है दैट इज 29,700। 6 दिन क्लास होगी वीक में, 6 दिन क्लास होगी, हर दिन आपके 3 क्लास होगी, जैसे मैंने कहा कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो बड़ा आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, 7410900901 के जो 906907908 भी आप लिख सकते हैं। हमारी वेबसाइट है competitiondigital.com या फिर competition.com, उन पर भी आप बैच की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बैच के बारे में 2-4 फीचर्स बताया था, बड़ा रिकॉर्डेड शेड्यूल्ड लेक्चर्स होंगे, लेक्चर्स जो होंगे वो रिकॉर्डेड होंगे लेकिन शेड्यूल्ड होंगे, स्पेसिफिक टाइम पर ही लेक्चर्स आपके पास आएंगे। लेक्चर्स में कुछ प्रकार भी होंगे क्योंकि आगे जाके हो सकता है कि ना किसी बच्चे के बैकलॉग क्रिएट हो जाए और उसको लगता हो कि सर सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो हम उस टाइम ऐसी भी कोशिश करेंगे कि हम कुछ फास्ट लेन टाइप के लेक्चर्स भी आपको दें, जिसमें हम सिलेबस को थोड़ा सा कंप्रेस करके सारे की सारी चीज़ें पढ़ाएं लेकिन थोड़ा सा जल्दी पढ़ाएं। इस तरह के लेक्चर्स भी लगातार आपके पास आते रहेंगे, तो जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे बच्चों की डिमांड और बच्चे कहाँ पर खड़े हैं उसके हिसाब से हम हमारे जो करिकुलम है उसको लगातार चेंज करते रहते हैं। नेक्स्ट इज बेटा आपको डिजिटल मटेरियल भी मिलेगा, ठीक है, और जो फिजिकल मटेरियल होगा जो इसेंशियल शीट और DUPs हैं वो आपके पोस्टल एड्रेस पर पहुंचा दी जाएगी इंडियन पोस्ट से। इसको जाने में लगभग 10 दिन के आसपास का समय लगता है, जैसे आप गूगल फॉर्म भरोगे आपके पास 10 दिन के अंदर ये बड़ा फिजिकल मटेरियल पहुंच जाएगा। जो भी इसेंशियल शीट और DUPs होंगे उसके बड़ा आपके टेक्स्ट सॉल्यूशन और वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप डाउट 2 तरीके से पूछ सकते हो, टेलीग्राम चैनल्स होंगे जहाँ पर आप सवाल पूछ सकते हो हमसे, और साथ ही साथ डेली लाइव जूम क्लास होगी, लाइव क्लास डेली होगी, डाउट क्लास, ठीक है। इसमें अगर आपको कोई मान लो कोई वीडियो सॉल्यूशन ना समझ में आए या फिर आपको ऐसा लगता हो कि सर ये वाला सवाल जो है आपने तो कर लिया, मेरे वाले तरीके से आंसर क्यों नहीं आ रहा, भाई बच्चे कैसे डाउट तो हो सकते हैं, तो वो चाहे तो जूम क्लास में जूम सेशन के अंदर पूछ सकता है, ये डेली होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑफकोर्स बेटा जो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उसके ऊपर आप अपने टीचर से हमसे कभी भी 24/7 लगातार बात कर सकते हो। अब यार 24 तो लिखने के लिख दिया, ऐसा कहने कि रात को 3 बजे तुम कहोगे और सर क्या कर रहे हो तो मैं जवाब दे दूँ, बट जैसे उठ जाएंगे वैसे रिप्लाई करने की कोशिश तो कर ही देंगे, ठीक है। जो भी साल भर में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आएंगे, कौन सी काउंसलिंग होनी है, कौन से एग्ज़ाम्स देने हैं, एग्ज़ाम की डेट क्या है, फॉर्म कैसे फिल करना है, फॉर्म फिल करने में क्या गलती कर सकते हो, किसी वजह से फॉर्म नहीं भरा जा रहा, वो सारी सारी चिंता हमारी है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको लगातार देते रहेंगे। फिर भी आपको बैच के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन जानने की ज़रूरत हो तो आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हो। बैच आपको competitiondigital.com की जो वेबसाइट है उस पर दिख जाएगा, competition.com पे भी आप दिख जाएगा, आप सीधा उसको वहाँ से भी बाय कर सकते हो। फिर भी अगर आपको लगता हो कि मैंने किसी पॉइंट को डिस्कस नहीं किया तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, मैं उसे रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। चलिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिएगा।